सो टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सम सिंपल एवरीडे ऑफिस लुक, मेकअप लुक और आउटगोइंग लुक, कॉलेज लुक, एनीथिंग, सिंपल मेकअप लुक. ओके सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. फाइन. सो आई हैव ऑलरेडी प्रेप माई स्किन बाई क्लेंजिंग एंड टोनिंग इट. सो क्लेंजिंग के लिए मैंने ये यूज़ किया है, मॉम्स को का फेस वॉश. ये है नेचुरल वाइटा रिच फेस वॉश. ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी. सो ये मैं अभी फ़िलहाल मैं सेटाफिल और ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज स्किन मेरी थोड़ी सेंसिटिव हो गई है आफ्टर प्रेगनेंसी. सो या सो आई फाइंड आई हैव रिव्यूड सॉ सम रिव्यूज़ ऑन दिस एंड मुझे ये थोड़ा ठीक लगा था. सो आई एम यूजिंग दिस वंस. एंड उसके बाद मैंने ये वाव का 10-in-1 मिराकल एप्पल साइडर विनेगर का टोनर यूज़ किया है. ये 10-in-1 है तो आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो. सो मैं फ़िलहाल इसको एज अ टोनर यूज़ कर रही हूँ. ये दिस इज़ द वन. ओके सो या नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो आई जस्ट पुट अ लिप बाम ऑन माई लिप्स बिफोर. ओके सो जो मैं मॉइस्चराइज़र यहाँ पे लगा रही हूँ अभी वो है मामाअर्थ का नेचुरल रेडियंस डे क्रीम. सो इसको प्रॉपरली आपको आपके फेस पे नेक पे लगा लेना है. इससे आपको एक प्राइमर का फिनिश मिलेगा. अदरवाइज़ आप जो भी फाउंडेशन या सीसी क्रीम लगाओगे वो थोड़ा क्रैकी फील दे सकता है. सो येस आप आपका मॉइस्चराइज़र प्रॉपरली लगाइएगा. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी. उसके बाद आई विल बी अप्लाइंग सनस्क्रीन. सो मैं लोटस का जेल वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ विथ SPF 50. सो मैं नॉर्मली अपनी व्हीकल से ट्रैवल करती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दी सनस्क्रीन. इसको भी आप अपने प्रॉपरली हैंड्स और नेक एरिया पे लगा लीजिए और इसको सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा 5 मिनट्स दीजिए. उसके बाद यू कैन गो हैड एंड अप्लाई दी अदर थिंग्स. सो टिल दैट टाइम लेट्स जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई आर काजल. सो काजल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्लम का नेचरस्टूडियो कोल. सो ये वन ऑफ द काजल है जो मेरी आँखों में लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 hours तक रहता है. सो मैं अपने पूरी आई एरिया में प्रॉपरली अंडर आई एरिया में प्रॉपरली उसको लगा लूँगी एंड थोड़ा उसको स्मज इफेक्ट दे दूँगी नीचे से. यस दैट्स इट. सो काजल इज डन. ओके उसके बाद लेट्स जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई द सीसी क्रीम. सो मैं यहाँ पे लैकमे का 9 to 5 सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. इसमें आई गेस 4 to 5 शेड्स आते हैं. आप अपने स्किन टोन के हिसाब से जो आपको सूट करेगा वो शेड यूज़ कर सकते हो. तो मैं ये प्रॉपरली अपने फेस पे फिंगर टिप्स से यूज़ करूँगी. मैं कोई ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए बिकॉज एवरीडे इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना फास्ट इसको यूज़ कर पाए. सो और फिंगर्स से मुझे अच्छा फिनिश मिल जाता है. सो यस मैंने डॉट एंड डैब मोशन में इसको मैं अप्लाई कर लूँगी ओवरऑल ऑन माय फेस एंड माय नेक. अब ये कम पड़ गया था. सो ऑन माय नेक एंड देन आई जस्ट डैब इट. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी. सो यस सो नाउ आई एम डन विद द सीसी क्रीम एप्लीकेशन. ओके सो आफ्टर दैट आई जस्ट गो अहेड विद माय लैक्मे रोज पाउडर.
ये मैं यूजुअली अपने जस्ट टी जोन पे अप्लाई करती हूँ क्योंकि वही पार्ट है जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाता है. सो अंडर आई एरिया एंड द टी जोन, फोरहेड, नोज एंड द चिन. बाकी फेस मेरा थोड़ा ड्राई है, सो आई जस्ट अवॉइड टू अप्लाई ऑन दोज एरियाज. And also I'll apply it on my neck. मैं इसके लिए भी अपना जो पफ है वही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज फॉर वन रीज़न दैट आई एम टू लेज़ी टू टेक द ब्रशेस एंड देन वॉश इट एंड देन यूज़ इट एंड देन अगेन वॉश इट एंड कीप इट. सो येस आई जस्ट यूज़ द पफ एंड माई हैंड्स. Okay, now you can see the brightness on my face. After that, let's just go ahead with the mascara. ये है Maybelline का Hyper Curl mascara. ये I guess waterproof mascara है. So इससे और मैं यहाँ पे eye color, lash color नहीं use कर रही. Oops, I just spread it on my under my eyes. Okay, fine. मैं आई कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मैं यूजुअली इसी से कर लेती हूँ अपना मस्कारा बिकॉज ये बहुत अच्छा फिनिश देता है. यस, आपको इफेक्ट दिखेगा कुछ देर में. Okay, so now we are almost done. Let's just go ahead with the lipsticks. So मैं यहाँ पे दो lipsticks का combination use कर रही हूँ. एक Nykaa का है Wicked Wine shade and दूसरा वाला है आई जस्ट फॉरगॉट द नेम. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ओके, सो Nykaa वाला बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैं उसको थोड़ा लाइटन अप करने के लिए ये दूसरा वाला यूज़ कर रही हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा न्यूड शेड मिल जाए. आई गेस ये सेकेंड वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम Nykaa. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो आप चेक कर सकते हो. ओके, एंड द लास्ट थिंग, मैं यूजुअली अपने आईलिड्स पे नहीं लगाती हूँ आई शेडोज, बट कभी कभार आई जस्ट गो एंड अप्लाई टू गिव इट गिव दैट ग्लिटरी थोड़ा शाइनी एंड डार्किश शेड ऑन माई आईज. सो मैं यहाँ पे Maybelline का कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ जिसका मैं दोनों डार्क शेड एंड द हाईलाइटर शेड यूज़ करूँगी टू अप्लाई इट ओवर माई आईज एंड द हाईलाइटर विल बी यूज अंडर माई ब्राउ एरिया जस्ट टू गिव अ शाइनी इफेक्ट. यस, सो दैट्स इट. नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड विद द हेयर. आई हैव ऑलरेडी कॉम्ब माय हेयर सो आई जस्ट टाई इट अप इन हाफ बन विद अ क्लिप एंड देन आई एम रेडी टू गो. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट द परफ्यूम दैट आई एम करंटली यूजिंग इज द Zara's Apple जूस परफ्यूम जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था. इन सब का मैं लिंक्स या फोटोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हो. सो ये नाउ आई एम रेडी टू गो टू द ऑफिस एंड दिस इज माई लुक. So thank you for watching the video guys. If you liked it, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.